दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये साइकिल यात्रा की एक शुरुआत की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, वो यहाँ पर पहुंचे। साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या भी यहाँ पहुंचे। आपको बता दें 1,00,000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया, यहाँ तक कि अटल समाधि में कुछ वृक्ष भी लगाए गए और साथ ही साथ साइकिल यात्रा यहाँ से शुरू की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। साइकिल सुबह का वक्त है, साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल समाधि की, यहाँ पर तेजस्वी सूर्या के साथ आपको बता दें मनोज तिवारी पहुंचे, मीनाक्षी लेखी पहुंचे। यहाँ पे पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये साइकिल यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। मनोज तिवारी से हमने बात की, उनका साफ कहना है जिस तरह से प्रदूषण दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है इसकी जिम्मेदार केवल दिल्ली सरकार है। लगातार हम देख रहे हैं सालों से जो है पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदार उन्होंने इनकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो मनोज तिवारी की तरफ से दिल्ली सरकार पर ही डाली गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं कि देखिए ये साइकिल रैली की जो पूरी शुरुआत है वो यहाँ से की गई है। और आपको तस्वीरों में आपको ये भी दिखा दें कि दूसरी तरफ ये अटल समाधि है, यहाँ पर 1,00,000 वृक्ष लगाने की बात कही गई है, संकल्प लिया गया है, यहाँ तक कि कुछ वृक्ष भी लगाए गए हैं। अटल संकल्प साइकिल यात्रा आज यहां से शुरुआत की गई है। आपको बता दें कुछ दूर तक ये साइकिल यात्रा है चलेगी और इसका लक्ष्य है कि प्रदूषण को किस तरह से कम किया जाए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ भावना किशोर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।